हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब दोस्तों। अभी फिलहाल हम दिल्ली और गुड़गांव के बॉर्डर पे हैं। अभी हम गुड़गांव की साइड जा रहे हैं, ठीक है। इस वीडियो में मैं आपको दिल्ली से स्मार्ट वर्ल्ड सेक्टर 89 गुड़गांव की लोकेशन तक लेके जाऊंगा और स्मार्ट वर्ल्ड प्रोजेक्ट को भी ब्रीफ करूंगा। दोस्तों यहाँ से हमें अभी लेफ्ट लेना है। अगर हम सीधा जाते तो भी हम गुड़गांव जाते, पर हम द्वारका एक्सप्रेस वे से जाएंगे तो हमको यहाँ से लेफ्ट लेना पड़ेगा। यहाँ से लेफ्ट लेने पे हम सीधा टी पॉइंट बनेगा। टी पॉइंट से अगर आप लेफ्ट चले जाओगे तो दिल्ली की साइड चले जाओगे, अगर आप राइट चले जाएंगे तो हम न्यू गुड़गांव साइड चले जाएंगे। दोस्तों ये आ गया है अपना द्वारका एक्सप्रेस वे। अगर यहाँ से जो मैं आपको बता रहा था लेफ्ट की साइड चले जाएंगे तो ये सीधा जाएगा दिल्ली। आप कंस्ट्रक्शन देखते हैं किस स्पीड से चल रहा है, और बाकी अभी फिलहाल हमको जाना है राइट साइड जो कि न्यू गुड़गांव को कनेक्ट करेगा। ये हमने ले लिया है राइट। दोस्तों अगर हम यहाँ से लेफ्ट ले लेते हैं तो दौलताबाद फ्लाईओवर को क्रॉस करते हुए हम रेलवे स्टेशन पहुँच जाएंगे। अगर हम राइट साइड जाएंगे तो सेक्टर 4 सेक्टर 5 पहुँच जाएंगे गुड़गांव के। पर हमको ना राइट जाना है ना ही लेफ्ट जाना है, हमें द्वारका एक्सप्रेस वे के साथ साथ सीधा चलते जाना है। दोस्तों ये आ गया है पटौदी रोड, जो कि आप देख रहे हैं ना गाड़ियाँ यूटर्न लेके आ रही है। ये इसलिए लेके आ रही है क्योंकि ये ना कंस्ट्रक्शन चल रहा है द्वारका एक्सप्रेसवे का। ये पटौदी रोड द्वारका एक्सप्रेसवे को क्रॉस करते हुए सीधा निकलता है, ठीक है। तो थोड़ा कंस्ट्रक्शन की वजह से थोड़ा सा यूटर्न लेके आना पड़ता है, पर हमें सीधा जाना है द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ साथ। हमें ना ही राइट लेना है ना ही लेफ्ट लेना है।
दोस्तों आप राइट में जो बड़ा सा कमर्शियल देख पा रहे हैं ये है एलान मिरेकल। यहाँ पे एक चौराहा बनेगा आगे जाके, यहाँ से हमें राइट लेना है। पर दोस्तों जैसे ही हम राइट लेंगे, अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है वहाँ पे, तो काफ़ी मिट्टी पड़ी है, तो मिट्टी की वजह से ना हम आगे नहीं जा सकते। तो मैं अपनी गाड़ी घुमा के लेके आता हूँ उसी लोकेशन के बैक साइड में, तो मैं फिर वहाँ से आपको लोकेशन दिखा दूंगा। जैसा कि आप देख पाएंगे, देखो ये मिट्टी पड़ी हुई है यहाँ पे, ये अभी बंद है रास्ता। दोस्तों अभी हम घूम के उसी लोकेशन पे आ गए हैं, आप जैसे कि देख पा रहे होंगे एलान मिरेकल। ठीक है, अभी हमने यहाँ से यू टर्न ले लेते हैं। वो मिट्टी पड़ी हुई थी इसलिए मेरे को थोड़ा सा घूम के आना पड़ा। ठीक है, पर आपको कहीं भी नहीं घूमना है, कुछ टाइम में ये मिट्टी हट जाएगी, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, तो आप इसी रास्ते से आ सकते हैं। दोस्तों द्वारका एक्सप्रेस वे से राइट लेने से आपको लगभग 1 किलोमीटर चलना होगा। 1 किलोमीटर चलने पर पहला कट आएगा राइट में, ठीक है जी, वो कट जाएगा सीधा हमारी साइट पे स्मार्ट वर्ल्ड सेक्टर 89 गुड़गांव की लोकेशन पे। तो ये हमने पहला कट ले लिया है राइट को। ले लगभग हमारा आ चुका है, ये आ गया है सेक्टर 89। हमने यहां से लेफ्ट ले लिया है। यहां से लेफ्ट लेने के बाद आपको 100 से 150 मीटर चलना है, फिर हमको लेना है राइट। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये कंस्ट्रक्शन ही चल रहा है, अभी लैंड को प्लेन किया जा रहा है, ये जेसीबी वगैरह लगी हुई है, काफ़ी स्पीड से काम चल रहा है। हम यहाँ से सीधा जाके हम यहाँ से ले लेंगे राइट। ठीक है जी, ये है अपनी लोकेशन, ये आ गई अपनी लोकेशन स्मार्ट वर्ल्ड की सेक्टर 89 की। दोस्तों हम ना स्मार्ट वर्ल्ड की साइट पे पहुंच चुके हैं, जो कि सेक्टर 89 में है। जो ये लैंड देख रहे हैं आप, जो भी खाली लैंड देख रहे हैं, इसके साइड में रोड है, ठीक है, जो कि हम देख नहीं पा रहे हैं पेड़ पौधों की वजह से। ठीक है, जो ये वाला पैच है 60 एकड़ की लैंड है, आप जितना भी पीछे तक देख पा रहे हैं ये पूरी 60 एकड़ की लैंड है, जो कि स्मार्ट वर्ल्ड की है। ठीक है, अगर हम इस सेक्टर की बात करते हैं, ये वाला सेक्टर लगता है सेक्टर 88, जो कि पूरा कमर्शियल सेक्टर है। अगर इसकी जो इसके सामने जो ये जो हम देख नहीं पा रहे, ये है पटोदी रोड बीच में लगता है। पटोदी रोड के जो उस साइड है वो है गोदरेज के प्रोजेक्ट आ रखे हैं वहाँ पे। ठीक है, अगर हम इस प्रोजेक्ट की बात करें, यह है सिग्नेचर का अफोर्डेबल प्रोजेक्ट है। ठीक है, और जो आप बीच में एक बड़ी सी बिल्डिंग देख पा रहे हैं, ये MRG मेरिडियन है। ठीक है जी, और अगर जो ये वाले प्रोजेक्ट है, यह है NBCC हाइट्स के प्रोजेक्ट है, जो कि लग्जरी। जो हम ये वाले देख रहे हैं, यह है ट्यूलिप के प्रोजेक्ट। ठीक है, अगर हम इस सेक्टर की बात करते हैं, ये सेक्टर 89 पड़ता है। इसके जो सामने वाला प्रोजेक्ट है वो सेक्टर 89A पड़ता है। जो ये प्रोजेक्ट है 60 एकड़ के अंदर आ रहा है, इसके अंदर 2BHK और 3BHK आ रहा है। 2BHK आ रहा है जो वो आ रहा है 1100 स्क्वायर फीट में, 2BHK प्लस स्टडी है। ठीक है, और इसके अंदर आपको बेसमेंट के अंदर एक ऑफिस प्रोवाइड कर रहे हैं। दोस्तों आपको 3BHK इसके अंदर 1423 स्क्वायर फीट का पड़ता है, और अगर हम रेट की बात करते हैं, 2BHK आपको पड़ता है 75 लाख का, और आपको 3BHK पड़ता है 95 लाख का। अभी फिलहाल ये न्यू लॉन्च प्रोजेक्ट है, तो आपको इनॉग्रेबल डिस्काउंट मिल रहा है 5 लाख रुपीज का। दोस्तों अगर हम लेआउट की बात करते हैं, तो ग्राउंड फ्लोर पे आपको पार्किंग स्पेस मिलता है, और एक आपको एंट्रेंस लॉबी मिलती है। एंट्रेंस लॉबी को आप एज अ सिटिंग एरिया भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम लोअर ग्राउंड फ्लोर की बात कर रहे हैं, तो लोअर ग्राउंड फ्लोर पे आपको ऑफिस स्पेस प्रोवाइड किया जा रहा है। हर एक फ्लोर को एक अपना पर्सनल ऑफिस स्पेस दिया जा रहा है, जो कि लगभग 150 स्क्वायर फीट के आसपास है। और दोस्तों ये है अपना 2BHK प्लस स्टडी का लेआउट, जो कि आप पोज करके आराम से देख सकते हैं। दोस्तों सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपको यहाँ पे टेरेस स्पेस भी मिलता है। टेरेस स्पेस को 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया है, और सबसे अच्छी बात तो ये है, टेरेस को कंपनी ही मेंटेन करेगी, जो कि आपको कुछ इस तरह दिखेगा।